दोस्तों, एक मसला तो आपके सामने कई मर्तबा आया होगा कि जब लोगों ने आपको पूछा होगा कि आपकी वाइफ क्या करती है, आपकी पत्नी क्या करती है, और हमने बहुत ही हल्के फुल्के लहजे में बोल दिया होगा, हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करती। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं। कई साल पहले एक कॉरपोरेट हाउस ने बेंगलोर में मैनेजमेंट गुरुओं का एक सम्मेलन करवाया था। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि आप सफलतम मैनेजर किसे मानते हैं। तो विशेषज्ञों ने रोनल्ड रीगन से लेकर नेल्सन मंडेला, चर्चिल से गांधी तक, टाटा से हेनरी फोर्ड तक, चाणक्य से बिस्मार्क तक, और न जाने कितने और नाम सुझाए। पर जूरी ने तो कुछ और ही सोच रखा था। सही उत्तर था, सफलतम प्रबंधक है एक आम गृहिणी। एक गृहिणी परिवार से किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकती, किसी को सस्पेंड नहीं कर सकती, और ना ही किसी को टर्मिनेट कर सकती है, और हाँ, किसी को अपॉइंट भी नहीं कर सकती, परंतु फिर भी सबसे काम करवाने की क्षमता रखती है। किससे क्या और कैसे कराना है, कब प्रेम के राग में हौले से काम पिरोना है, और कब राग सप्तक पर उच्च स्वर में भैरवी सुनाकर जरूरी कामों को अंजाम तक पहुंचाना है, उसे पता होता है। मानव संसाधन प्रबंधन का इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है। बड़े बड़े उद्योगों में भी कभी कभी इसलिए काम रुक जाता है क्योंकि जरूरी फ्यूल नहीं था, या कोई स्पेयर पार्ट उपलब्ध नहीं था, या कोई रॉ मटेरियल कम पड़ गया था। पर किसी गरीब से गरीब घर में भी नमक कम नहीं पड़ता। शायद बहुत याद करने पर भी आपको वो दिन याद ना आ पाए जिस दिन माँ आपको खाने में सिर्फ इसलिए कुछ नहीं दे पाई कि बनाने को कुछ नहीं था, या गैस खत्म हो गई थी, या कुकर का रिंग खराब हो गया था। हर कमोबेशी और हर समस्या का विकल्प एक गृहिणी रखती है, और वो भी बिल्कुल खामोशी से। सामग्री प्रबंधन एवं संचालन संधारण प्रबंधन का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। अचानक बड़ा खर्च आ जाने पर या किसी की बीमारी पर बाकी सब बगले झांकने लगते हैं, लेकिन वो फटाफट अपने संदूकों में छुपा कर रखे गए बचत के पैसे निकालती है, कुछ गहने गिरवी रखती है, कुछ घरों से सिर्फ साख के आधार पर उधार लेती, पर पैसे का इंतजाम कर ही लाती है। संकटकालीन अर्थ प्रबंध का इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है। निचले इलाकों में बेमौसम बारिश में घर में पानी भरने लगे, या बिना खबर अचानक चार मेहमान आ जाएं, सबके लिए आपदा प्रबंधन की योजना रहती है उसके पास, और सारे प्रबंधन के लिए पास में है बस कुछ आंसू और कुछ मुस्कान। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है जिजीविषा, समर्पण और प्रेम। सफल गृहिणी का सबसे बड़ा संबल होता है सब्र, वही सब्र जिसके बारे में किसी ने बहुत सटीक कहा था कि सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना कितना आसान लगता है, खुद पियो तो कतरा कतरा जहर लगता है। इसलिए इतना भी हल्का फुल्का ना लें अपनी पत्नी को जो किसी ऑफिस में काम नहीं करती। वो हाउसवाइफ नहीं, आपकी हाउस की बॉस है।